ईमान बिल गैर और ईमान बिल मुशाहदा में फर्क है, फर्क है दोनों ईमानों के अंदर। देख कर मानना, देख कर मानना और बिन देख के मानना, दोनों में फर्क है। देख कर मानेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, सूरज निकला हुआ है, देख लिया है तो जल्दी होगी, मान लिया है कोई बड़ी बात नहीं, देख कर माना है। असल ईमान क्या है कि जो कुछ यार ने कह दिया है, जो कुछ यार ने कह दिया है उसने कहा खुदा है, दिन देख कर मान लिया। असल ईमान ये जो बिनू ने भी कही, सैयद अबू बकर सिद्दीक का ईमान और ईमान में गैर था, और यही ईमान सबसे असल ईमान है। यहां कहीं से बात इसी की टाइम में कर देता हूं, ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया था कि मेरे सहाबा अय्युहुम आजम ईमानन, अजीब ईमान किसका है, अच्छा ईमान उनका ईमान किसका है। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अजीब ईमान वो अंबिया का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया को वो जातें हैं, वो हस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया है, मलाइका को देखा है, नज़ूले मलाइका हो गया उन पर अल्लाह की किताब का इनाम नाज़िल हुआ है, वो तो देखकर मुशाहदे के साथ दलील के साथ उनका ईमान है। तो फिर सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमारा ईमान, सहाबा ने अर्ज़ की हमारा ईमान है जो अजीब ईमान है, ये अभी से बात है। नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम्हारा ईमान अजीब कितना सकता है, तुम तो अपनी आंखों से, अपने सर की आंखों से मुझे देख रहे हो, मुझ पर जिब्रील अमीन की किताब लेकर आते हैं, कलाम लेकर आते हैं, जिब्रील अमीन का मलाइका मैं उतरता हूं, नाजिल होना वहां पर जाना तुम देख रहे हो, और तुम्हारे सामने कभी सूरज के पास होने का, चांद के सर होने का मौका होता है, तुम ये सारे मौजूदात अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम्हारा ईमान अजीब कितना करता है। तो फिर सहाबा हाथ जोड़कर करते हैं, यार सोलह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन है अजीब ईमान वाले। तो मेरे आका का जाने मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा कुछ लोग वो होंगे जिन्होंने ना मुझे देखा होगा, ना मौजूदात को देखा होगा, ना मेरे जबानी को देखा होगा, ना मेरी ग्रामात मौजूदात को देखा होगा, मेरे पास दूर के जमाने में आएंगे और जो जो मैं कह रहा हूं उस पर वो ईमान लाएंगे। अजीब ईमान कौन का है। तो सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दार को दाद है जो ईमान के गैर रखने वाले हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो जो आप सच ला रहे हैं उस सच की तस्दीक करने वाले से कितना सीधी के अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। यही वजह है कि नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबा ने कहते हैं हां तुम अबू बकर के बारे में बात करते हो, हर बार पर तुमने दलील मांगी है और अबू बकर ने मेरी ताईद मेरी तस्दीक बगैर दलील दे दी है, अबू बकर को फकत मेरे लिए रहने दो। ये मेरी बात कहते जुमले हैं जो मोहब्बत वाले हैं इस जुमले को समझते हैं कि नबी पाक ने फरमाया,